हमने कुछ कुछ चीजें बेटा काउंटेबल नाउन्स में देखी थी, ठीक है, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं और जो चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड काउंटेबल नाउन। नाउ सी, अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो इसका यूज कैसे करते हैं हम वो देखते पहले। वी मस्ट बी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट वी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हम जो भी बेटा वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, उसको लेकर हमको क्या है, केयरफुल रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। ओके, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं, कभी टीचर्स आपको बोलते हैं कि इसका मीनिंग बताओ, तो हमसे गलती से क्या होता है बेटा, टीचर्स के आगे या आप कहीं पे भी बाहर हो, हमारे से रॉन्ग हो जाता है, लेकिन हमको उसका क्या है, ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। सम कैन बी यूज विद काउंटेबल नाउन्स एंड सम अदर्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो है बेटा, कुछ कुछ वर्ड जो है, जैसे कि हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगुलर का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज हम लोग क्या है बेटा, गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए भी ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी और कुछ चीजें अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी। वी कैन ओनली यूज अ फ्यू विद बोथ। तो कुछ चीजें ही है बेटा जो हम दोनों ही नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सी बेटा, जिसका माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद कर दे, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। नाउ यूज विद काउंटेबल नाउन, तो अब काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया बेटा, ठीक है, हम उसको समझते अच्छे से, जहाँ पे नहीं पर समझ में आया तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ए एंड द, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल। क्या है बेटा ये, आप लोग ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ठीक है। सो जब भी हम काउंटेबल यूज करते हैं तो अ मतलब ओनली फॉर वन, ये किस लिए यूज होता है, वन थिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए ही यूज होता है। कभी भी आपने देखा होगा एन एप्पल मीन्स कि एक एप्पल है। अ वॉच, वॉच क्या है, अ वॉच मीन्स एक ही वॉच है, ठीक है। और ध जो है वो क्या होता है बेटा, ध जो है हमारा, वो हमको कोई भी स्पेशल चीज बतानी होती है तभी यूज होता है। ओके, सो नाउ सी अ बैग, तो यहाँ पे कितना बैग हुआ बेटा, ओनली वन। एन आवर, हाँ वन एन आवर बेटा वन हो गया, तो एन यहाँ पे क्यों लगाया, कोई बोलेगा यहाँ पे एन क्यों लगा और यहाँ पे अ क्यों लगा, ए क्यों लगाया, एनीवन? आप लोग को आना चाहिए, सिक्स स्टैंडर्ड में हो, हाँ तो बोलो, तो यहाँ पे एन क्यों लगाया बेटा, तो नहीं बता किसी को, इतनी जल्दी भूल जाते हो घर पे बैठ, तो हाँ बोलो बोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए ई ओ आई यू को क्या बोलते हैं बेटा उसको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। ओके, तो माइक्रोफोन ऑफ कर दे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो हमारे हमने देखा बेटा, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब आप लोग जूनियर या सीनियर या फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखते थे कि एबीसीडी के कितने लेटर्स होते बेटा, 26, ठीक है, उसमें से जो 5 रहते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वोवेल। ओके, और जो 21 बचते हैं उसको हम कंसोनेंट बोलते हैं। ओके, सो कंसोनेंट मींस जो भी वोवेल्स के अलावा जो चीजें बची, तो वोवेल्स कौन कौन से, हम वोवेल्स याद रख सकते ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, वोवेल्स हो गए, ठीक है। तो जब भी वोवेल्स का यूज आएगा वर्ड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि सर यहाँ तो एच लिखा हुआ, तो वोवेल कैसे हुआ, लेकिन हम उसको बोलते कैसे बेटा, हवर नहीं बोलते, हवर नहीं बोलते कभी भी, हम क्या बोलते, अवर, सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोनाउंस करते, एच क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है। ओके, तो इसीलिए ये वोवेल की शुरुआत बेटा वर्ड की कहाँ से होती है, ये ओ से होती है, इसलिए एन यहाँ पे लगाया हुआ है। वैसे ही एन एप्पल, एन आइसक्रीम, ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम क्या करते हैं बेटा, ओनली वन यूज के लिए एन ए एन यूज करते हैं। ओके, नाउ ध टेबल, तो जब भी हम बेटा, जब ध का बहुत ही इजी मीनिंग है, बहुत ही अच्छा भी है, जब भी हम किसी चीज को स्पेशली बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि द टेबल, तो ये टेबल है खास खास चीज, स्पेशल मतलब कोई भी खास चीज के लिए यूज करना हो
या कोई भी खास पर्सन के लिए यूज करना हो, खास कोई नाम हो, ओके, नाउन है मतलब कोई भी नेम के लिए यूज करना हो खास, तो इसीलिए हम लोग क्या है द का यूज करते हैं। रिमेम्बर ये चीज हमको याद रखनी है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ए एन द का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो विद, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है तो मैं कुछ कुछ वर्ड आपको समझाता हूँ तो आप लोग को इजीली समझ में आए। फर्स्ट है सम, मैनी, एनी, फ्यू, अ फ्यू, अ लॉट्स ऑफ, हाउ मैनी, दीज, अ लार्ज नंबर ऑफ, नो इनफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है। नाउ सो अब आई हैव सम फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स है बेटा। फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, एक बुके होता है फ्लावर्स का, आप सभी लोगों ने माशाल्लाह देखा होगा वो बुके। बुके किसको बोलते हैं, जो फ्लावर्स रहता है ना, वो थैली वगैरह रहती है उसके अंदर, उसको अच्छे से बुके में मतलब 8 या 10 फ्लावर्स उसमें रहते हैं, लेकिन हम उसको गिनती नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ फ्लावर्स है, ठीक है। वैसे ही हम लोग ये भी बोल सकते हैं, आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपये 20 रुपये दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके पॉकेट में कितनी मनी है, ठीक है। तो वो टाइप हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, सम मनी, सम मतलब कुछ, ठीक है, कुछ पैसे हैं, लेकिन कितने हैं वो पता नहीं है, लेकिन हम उसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जब भी हम मैनी के अंदर काउंट करेंगे उसको, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी में कितने हो सकते हैं बेटा, 5, 10, 15, 50, 100, ठीक है, इतने लोग तो होंगे फ्रेंड्स में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको भी काउंट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। सी, यहाँ पे हाउ मैनी लिखा हुआ है, हाउ मैनी एप्पल, हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी वॉचेस, ठीक है। तो ये प्लूरल के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे एप्पल का एप्पल्स दिया गया है, तो कितने एप्पल्स है, ठीक है, तो प्लूरल यूज किया गया, मतलब इसको हम क्या एप्पल्स को क्या कर सकते बेटा, काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है बेटा, नेक्स्ट टेबल में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सी चीजें यूज होती है, ओके, और लास्ट में क्या है हमारा ये वाला, कि जो दोनों में ही यूज होता है, ठीक है, काउंटेबल में भी होता है और अनकाउंटेबल में भी होता है, दोनों में ही ये चीजें यूज होती है। सो वी विल सी फर्स्ट अनकाउंटेबल, तो यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, तो कौन सी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं द, हमने आगे भी देखा बेटा, द क्या है, स्पेशल चीज के लिए यूज होता है, तो वो अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं, ओके। द मिल्क, ठीक है, यहाँ का जो द था बेटा, द टेबल, तो टेबल हम गिन सकते कि नहीं, यहाँ पे कितना टेबल है बेटा, ओनली वन टेबल, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अनकाउंटेबल में हम देखते हैं द मिल्क, तो मिल्क कितना है, कितने लीटर है, 50 लीटर 100 लीटर, या हम लोग बोलते हैं द वॉटर, ठीक है, तो वह हम क्या है काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया है। अंडरस्टूड बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, वो बहुत सारी चीजें आगे की जो थी वो भी यहाँ पे कॉमन आएगी, हम वो भी देखते हैं, मच, अ लिटल, एनी, हाउ मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दिस, अ लार्ज नंबर, अमाउंट ऑफ, नो इनफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ लो आप, कि हम लोग ने नो, देखो यहाँ पे नो बेबीज, यहाँ पे प्लूरल है, आई डोंट हैव मनी, आई हैव नो मनी, ओके, मनी क्या है हम लोग, मनी जो है बेटा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं यू बोलू आई हैव इनफ मनी, लेकिन तो वो कैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल बनेगा बेटा, एनी वन, अगर मैं नो की जगह उसको इनफ के साथ यूज करो तो कैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल बनेगा, एनी आइडिया, किसी को पता चल रहा है बच्चों, बेटा पहले माइक्रोफोन ऑफ करो जिसके यहां से बहुत आवाज आ रही है, आई कांट हियर यू बेटा, हाँ जो बोल रहा है वो बोले बच्चों, बेटा क्या बोल रहे हो तुम, हाँ पूरा रूम भर के पैसा हो, ठीक है, इतना रूम भर के पैसा तो किसी के पास नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इनफ मनी दिया हुआ है,
ठीक है, मनी बेटा वहां पे भी मनी ही था, यहाँ पे भी मनी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या था, नो मनी, मतलब वहां पे हम काउंट कर सकते कि हमारे पास क्या है, एक भी रुपया नहीं है। आई हैव नो मनी, नो मनी मतलब एक रुपया भी नहीं है, ठीक है, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन आई हैव इनफ मनी, ठीक है, आप कहीं पे बाहर गए या कहीं पे आपके पैकेट पॉकेट में मनी है, ठीक है, तो आपने काउंट की है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते बैठे हो कि आप चाय वगैरह पीने गए, ठीक है, आपके आप ले बेटा एक चाय पियोगे तो 10 रुपये की आती है, ठीक है। तो आप तीन दोस्त मिलके चाय पीने गए और किसी एक दोस्त को पैसे निकालने हैं, तो चाय के पैसे आज तुम दोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम लोग लेते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर ओनली एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक दोस्त को क्या है, तीनों दोस्तों के पैसे निकालने हैं, 30 रुपये होंगे तीन चाय के, ठीक है। अगर फिर उसमें से क्या है, एक दोस्त ये बोलता है कि फ्रेंड डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे है जो तुम तीनों के पैसे क्या हो निकाल सकते हो, ओके। सो उसने काउंट नहीं किए हैं मनी, या काउंट की है लेकिन उस टाइम पे, या जो दोस्त है जिसको पैसे निकालने हैं, जो पैसे देने वाला है, वो क्या बोलेगा कि आई हैव इनफ मनी टू पे द बिल, मेरे पास इतना पैसा है या इतने पैसे हैं जिससे मैं ये चाय का बिल जो है, टी का बिल जो है, क्या है बेटा, दे सकता हूँ, पे कर सकता हूँ, रिमेम्बर, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, एक जगह हमने मनी काउंट की, हमको पता है कि काउंट कर सकते हैं लेकिन की नहीं है, और एक जगह पे क्या है बच्चों, हमको पता ही चल जाता है कि हाँ इतने पैसे इसके पास मतलब बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है मतलब जीरो है, तो जीरो का हम क्या है काउंट कर सकते हैं ना कि जीरो, ओके। लेकिन इनफ मनी, इनफ मनी मतलब तो हमको क्या है पता नहीं है कितनी मनी है लेकिन पैसे है, ठीक है, मेरे पॉकेट में क्या है बेटा, पैसे पड़े हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग काउंटेबल का भी अनकाउंटेबल कर सकते हैं, ओके। नाउ सी हियर, हाउ मच शुगर, कितने शुगर, तो शुगर को हम काउंट कर सकते बच्चों, नहीं कर सकते, ठीक है, नो। सो हाउ मच का ऐसे यूज कर सकते हैं, एनी टाइम, कम एंड मीट मी एनी टाइम, ठीक है। हम लोग देखो बेटा, आप लोग स्कूल में आते हो तो स्कूल का टाइम स्पेसिफिक बताना पड़ता है, स्कूल का टाइम हम काउंट कर सकते हैं कि आपको 5 hours and 30 minutes स्कूल में बैठना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कम एट एनी टाइम, तब बेटा टोटल 24 hours है, उसमें से कभी भी किसी को बुलाया जाता है, एनी टाइम मतलब कभी भी, तो टाइम स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, ठीक है, कि कितना है, तो हम कोई भी टाइम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए टाइम को क्या है यहाँ पे एनी लिखा हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें बेटा, जो डिटरमाइनर थे वो दोनों के अंदर यूज होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो दोनों के अंदर यूज किया जाता है, ऐसे कौन से डिटरमाइनर है, तो देखो यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट वन सेकंड लेट मी होल्ड इट, द, सम, एनी, नो, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। तो इनफ भी क्या है, हम लोग बच्चों दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, अंडरस्टूड। सम को भी यूज कर सकते हैं, आई हैव इनफ मनी, आई हैव सम मनी, आई, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बच्चों आपको यही डिटरमाइनर्स यहाँ पे यूज करने एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप लोग आपका माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बाद ही ऑन करना है, उससे पहले ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आपको ऑन करना है, ठीक है। सो अब पैराग्लाइडिंग, तो यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कोई हम डिटरमाइनर लगा नहीं सकते, ओके, वन सेकंड, यहाँ पे हम कोई भी डिटरमाइनर लगा नहीं सकते, ओके। पैराग्लाइडिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट, एंड लिखा हुआ बेटा, मतलब क्या है हमारा, कौन सा यहाँ पे आया, वोवेल आया, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल आया, इसीलिए एडवेंचर के साथ एन लगाया हुआ है, ओके। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, आपको आंसर आता हो तो बोलो, ठीक है। सी, ब्लैंक टी एंड ब्लैंक कॉफी आर पॉपुलर ड्रिंक्स, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए, एन, ध, सम, मेनी, ठीक है, ये सब चीजें हमको यूज करनी है, जो यहाँ पे हमने देखी बेटा, ये पीछे के पेज पे हमने जो देखी लास्ट पेज पे, उसमें से कोई भी यूज करना है, क्या आएगा,
वेरी सिंपल बेटा, ये तो आना ही चाहिए। डर्टी आएगा, ओके ऐसा, या दोनों में है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। रिमेम्बर दोनों के टाइम में टी एंड कॉफी आर पॉपुलर ड्रिंक, और टी एंड अ कॉफी ऐसा नहीं आ सकता, एक टी और एक कॉफी, द टी एंड अ कॉफी ऐसा भी नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अ टी और अ कॉफी लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक टी और एक कॉफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, या द टी मतलब कोई स्पेशल टी के बारे में बात कर रहे हैं कि वहीं पे मिलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके नाउ सी द थर्ड वन, ब्लैंक माइक्रोस्कोप कैन शो यू ब्लैंक न्यू वर्ल्ड। तो क्या आएगा अब यहाँ पे आंसर, इड बेटा रॉन्ग होगा चलेगा, हमको क्या है समझना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब माइक्रोस्कोप क्या है बेटा, स्पेशल है या नहीं, स्पेशल नहीं है, स्पेशल है माइक्रोस्कोप, स्पेशल होता है बेटा। आंसर बेटा जो आता है वो आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं बताता हूं, ए माइक्रोस्कोप कैन शो यू ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है। अ माइक्रोस्कोप कैन शो यू ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या है बेटा, ये ब्लैंक जो भी है तो आपको इसको अच्छे से स्टडी करना होगा, पिक्स भी मैं भेजूंगा, तो आप लोग को इससे अच्छे से स्टडी करना है, और फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, फुल फिल करनी है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा इंस्ट्रक्शन दी गई है, देखो, राइट ए और एन वेयर नेसेसरी इन दिस सेंटेंसेस, इफ अ सेंटेंस डज नॉट नीड ईदर पुट अक्रॉस इन द ब्लैंक। तो जब हमको जहां पे कोई चीज की जरूरत नहीं है तो हमको क्या करना है, क्रॉस कर लेना है, ठीक है। और ध का भी यूज हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या बेटा, नो ध का यूज कर सकते हैं ना, अग्रस नो नो बेटा, ध आएगा वहां पे, अ नहीं आएगा। द ग्रास, ग्रास स्पेशल होता है, ठीक है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, ऑफेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो स्पेशल ग्रास की बात बता रहा है। देखो हम लोग को क्या है, फर्स्ट ब्लैंक नहीं देखनी है, पूरा का पूरा सेंटेंस देखना है, फिर उसको समझना है, फिर हमको क्या है, ब्लैंक पूरी करनी है, फिल करनी है। समझ में आया बच्चों, पूरा सेंटेंस देखना है। देखो, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस। तो जो फेंस है मतलब जो क्या है बेटा, जो भी वो बाउंड्री है, फेंस मतलब कोई बाउंड्री बनाई गई है, तो उसके पार वाला ही ग्रास, मतलब उसके पीछे वाला ही ग्रास क्या है बेटा, स्पेशल है। बाकी के उसके बाद वाला जो है, फ्रेंड्स के इधर वाला ग्रास जो है बेटा, वो स्पेशल नहीं है या ग्रीनर नहीं है, ठीक है, ग्रीनर नहीं है। तो ये यहाँ पे एक स्पेशल ग्रास के बारे में बता रहे हैं कि कोई जगह है बच्चों, फॉर एग्जांपल एक इमेजिनेशन करो कि कोई जगह है, ठीक है, एक बाउंड्री, उसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं बेटा क्रिकेट का ग्राउंड, क्रिकेट के ग्राउंड देखे ना सबने बेटा मैचेज में, ओके। तो क्रिकेट के ग्राउंड पे क्या होता है, हमको ग्रास जो होती है हमेशा ग्रीनर मिलती है, ग्रास क्या होती है हमेशा हरी भरी होती है, जबकि हम लोग हमारा जो हमारे ग्राउंड, हम लोग जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, आप लोग भी क्रिकेट खेलने गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको ग्रास वगैरह देखने को नहीं मिलती, क्या होता है, मिट्टी होती है, या फिर हम लोग बारिश वगैरह होता है तो क्या होता है बच्चों के कीचड़ वगैरह बन गया होता है, ओके। तो अब वो क्या बता रहा है कि क्रिकेट के ग्राउंड का जो ग्रास है बेटा, माइक्रोफोन ऑफ करो, किसका ऑन है प्लीज, माइक्रोफोन ऑफ करो, क्रिकेट के ग्राउंड का जो ग्रास है वही क्या है, स्पेशल है। तो जब भी हम स्पेशल चीज बताते हैं तो ध का यूज करेंगे, अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड, ओके। सो इंशाल्लाह सबको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपकी क्लास यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों।